हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू गैलेक्सी फोटो स्टोर आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनडी फिल्टर्स के बारे में जो प्रोडक्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है हाइडा कंपनी का हाइडा नैनो प्रो वेरेबल एनडी फिल्टर वेरेबल एनडी फिल्टर का मतलब होता है कि इसकी आप जो न्यूट्रल डेंसिटी होती है उसको आप वेरी कर सकते हैं फिल्टर को रोटेट करके जैसे कि इसमें दिख रहा होगा आपको इस पर एक पिन लगी हुई है आप पिन से इसको आप पकड़ के जब ये लगा होगा आपकी लेंस के ऊपर तो इससे आप इसको लाइट और डार्क कर सकते हैं तो जो इसकी रेंज है वो है फोर टू नाइन स्टॉप्स फ़ोर टू नाइन स्टॉप्स आपका एक्सपोजर यूज रिड्यूस हो जाता है इससे तो एंडी फिल्टर का जैसे uh, मतलब मैं आपको बता ही देता हूँ जैसे सन ग्लासेज होते हैं सन ग्लासेज आपकी धूप को रोकते हैं वैसे ही कैमरे के लिए एक तरीके से सन ग्लासेज का काम करता है इसमें ये ऐसा ऑप्टिकल ग्लास का मटेरियल होता है जो डार्क होता है और उससे आपका जो एक्सपोजर डाउन हो जाता है तो एक्सपोजर डाउन होने से आपकी जो लाइट है कैमरे में कम जाएगी और इमेज आपकी डार्क हो जाती है तो ये जो एक्सपोजर की रेंज है फ़ोर टू नाइन स्टॉप्स है और इसके अंदर अगर आप दूसरे टर्म से बात करें तो एन डी सिक्सटीन से ले कर एन डी फोर हंड्रेड तक इसकी रेंज होती है और जो इसकी जो क्वालिटी है ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है लेकिन चाइनीज़ में भी हाइडा फोटो करके इनकी साइट आप देख सकते हैं उसका एक रिप्यूटेड ब्रांड है ये इसके अंदर बेनिफिट्स क्या तो Uh, सबसे ज़्यादा uh, इसका बेनिफिट है मेन कि इसमें नैनो कोटिंग है तो नैनो कोटिंग से आपके जो तो इसमें टेन कोटिंग्स इन्होंने मेंशन करी हैं टोटल तो उससे एक तो इसके एंटी uh, रिफ्लेक्शन हो जाती है एंटी ग्लेयर हो जाता है फ्लेयरिंग कम हो जाती है इसकी प्लस इसमें अगर आप जब टच करते हो तो जो मार्क्स फिंगरप्रिंट्स वगैरह और ऑयल लगता है वो ईज़िली आपका रिमूव हो जाएगा क्लीन करते ही तो वो इस पर पर्मानेंट बना नहीं रहता तो कोटिंग का ये भी बेनिफिट होता है कि भाई आपके निशान विशान कम पड़ते हैं स्टैचेज़ कम पड़ते हैं फ़िल्टर पे तो नैनो कोटिंग है प्लस ये मेटल का मटेरियल है तो मेटल होता है थोड़ा स्टर्डी मटेरियल प्लस जो नॉर्मल वाले आपके सस्ते वाले होते हैं उसमें शीशा होता है। नहीं उसमें प्लास्टिक होता है जैसे के एंड एफ़ और उससे नीचे के जो ब्रांड्स हैं इसमें ग्लास है और इसके बाद जो रिंग है वो मेटल का है और ये जो घुमाने का ऑप्शन है ये इनका डिज़ाइन पेटेंटेड है कुछ ही कंपनीज में ये आता है जैसे निसी में आता है और इसमें आता है जिससे आप इजीली मतलब को जब आप कर रहे हो तो ईज़िली आप इसको चेंज कर सकते हो अगर बिना आ, पिन के अगर आप चेंज करोगे थोड़ा मुश्किल हो जाता है चेंज करना तो पिन से ईजी हो जाता है और जो बेनिफिट्स वैसे एंड डी फिल्टर के वो मैं आपको बता ही देता हूँ नॉर्मली इसका यूज़ आएगा आपका आउटडोर में क्योंकि आउटडोर में ही बेसिकली एक्सपोजर ज़्यादा आता है ओवर एक्सपोजर आपका आउटडोर में ही आएगा इंडोर में एनडी की कोई ज़रूरत नहीं है आउटडोर में आपका अगर आप फ़ोटो करते हो फोटोग्राफ़ी के अंदर प्री वेडिंग में बहुत काम आएगा प्री वेडिंग में जैसे आपको 1.4 या 2.8 पॉइंट अपर्चर पर काम करना है तो उस केस में बैकग्राउंड ओवर एक्सपोज हो जाता है तो बैकग्राउंड को इससे आप बैलेंस कर सकते हो एन से उसके बाद सब्जेक्ट के ऊपर आप कोई भी नॉर्मल फ्लैश जैसे छोटी फ्लैश ई डी वगैरह या कोई भी स्पीड लाइट से भी आप सब्जेक्ट को उससे लिट कर सकते हो और आपकी का मतलब कि वाइड अपर्चर पे शूटिंग हो जाएगी और बेटर आपको वो मिलेगा ब्लर मिलेगा बुके मिलेगा जो आजकल डिमांड है सबकी तो उस पर आपको एक बेनिफिट ये हो जाएगा फ़ोटोग्राफ़ी में प्लस अगर आप लैंडस्केप शूट करते हो तो लैंडस्केप में इसका बेनिफिट ये है कि भाई अगर आपको लॉन्ग एक्सपोजर खींचना है थोड़ी सी मूवमेंट कैप्चर uh, करनी है मोशन ब्लर चाहिए जैसे क्लाउड्स हो गया या uh, आपकी वेव्स हो गई आप समुद्र के किनारे कर रहे हो जहाँ पे भी आपको लगता है कि भाई हमें स्लो शटर पे काम करना है या लॉन्ग एक्सपोजर करना है तो इसको लगाने से आप वो कर सकते हो जैसे आप इस पर नाइन स्टॉप पर जाते हो तो आप काफ़ी अच्छा एक्सपोजर ले सकते हो आधे घंटे का एक्सपोजर ले सकते हो बंद डिपेंडिंग ऑन आपका अपर्चर क्या है क्योंकि नॉर्मली लैंडस्केप में तो अपर्चर ज़्यादा होता है सोलह या बाईस तो उस पॉइंट पर आप इसको आप स्लो शटर के लिए एंडी यूज़ कर सकते हो और एक ये हो गया और फिर तीसरा बेनिफिट आता है इसका वीडियो के अंदर वीडियो के अंदर क्योंकि फ्लैशेस तो होती नहीं है तो उसमें यही होता है अगर आप वन पॉइंट फोर या टू पॉइंट एट पर वीडियो बनाते हो तो उसमें आपको शटर काफ़ी आगे ले जाना पड़ता है तो हज़ार शटर दो हज़ार शटर पर जाके आपका एक्सपोजर बैलेंस होता है तो उस केस में जब आप एंड लगाओगे तो आपको वो चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी उससे आपका एक्सपोजर डाउन होगा तो आप वन या टू पॉइंट एट वीडियो बना सकते हो मतलब लार्ज अपर्चर पर शूट कर सकते हो और आपका फिर फ्लिकर फ्री वीडियो आएगा ज़्यादा अगर आप शटर बढ़ाते हो तो स्मूथ नहीं आ, स्मूद वीडियो नहीं आता उसका तो वो आपकी टेंशन उससे ख़त्म हो जाती है प्लस बाकी सब्जेक्ट पे आप नॉर्मल लाइट मार सकते हो क्योंकि इससे पूरा एक्सपोजर डाउन होता है बैकग्राउंड का भी होगा सब्जेक्ट भी थोड़ा सा डार्क हो जाएगा तो उस केस में सब्जेक्ट पे आप थोड़ी सी लाइट मार के उसको सब्जेक्ट को लिट कर सकते हो और नॉर्मली आप उस पर स्लो मोशन वगैरह जो भी आपको खींचना है हाई शट हाई शटर उस पर आप खींच सकते हो अपना वाइड अपर्चर पे और शटर आपका क्योंकि लिमिटेशन है वीडियो में कि भाई एक से ज़्यादा शटर में दिक्कत आती है वन उससे व उसके बाद फिर आप अपना एनडी से एक्सपोजर डाउन कर सकते हो तो वीडियो में भी इसके बेनिफिट हैं तो वेडिंग में तो जो लेकिन वेडिंग में अगर आपकी डे की वेडिंग है तो स्टिल वीडियो दोनों अगर आपको चाहिए तब भी आपका काम आएगा बाकी लैंडस्केप के लिए तो बना ही है लैंडस्केप के लिए स्क्वायर वाले भी आते हैं लेकिन वेरिएबल एंडी थोड़ा सा कन्वीनियंट है क्योंकि हर टाइम आप एक ही जैसा फ़िल्टर है तो चेंज करने का चक्कर नहीं पड़ेगा नॉर्मली जो स्क्वायर वाले होते हैं अलग अलग होते हैं कि भाई फोर अलग है सिक्स अलग है एट अलग है और सिक्सटीन वन थाउजेंड अलग अलग पीसेज़ आते हैं तो वो प्रॉब्लम होती है कि भाई बार बार चेंज करना वो तसल्ली का काम हो जाता है एक एक करके तो वो चीज़ उसमें क्वालिटी इससे बेटर होएगी लेकिन ये है कि भाई चेंज करने का हासिल है तो इवेंट्स वालों के लिए तो बेस्ट ही है लैंडस्केप वाले भी ले सकते हैं कि भाई कन्वीनियंट है अगर उनके पास टाइम नहीं होता से ट्रैवल तो वाला जो बंदा है उसके आज टाइम नहीं होता चेंज करने का जो बहुत ही प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं वो तो फिर स्क्वेयर वे लेंगे स्क्वायर भी इस कंपनी के आते हैं बहुत कंपनीज के आते हैं निसी के भी आते हैं तो उसको और सबसे ज़्यादा तो ली फिल्टर्स पॉपुलर है तो स्क्वायर वाले भी ले सकते हैं नहीं तो अगर आपको नॉर्मल इवेंट्स वाला बंदा जो है उसके लिए और जो आपका प्रोफेशनल म्यूज़िक वीडियोस और जो भी आपका डे में शूट हो रहा है उसमें आपको एनडी फिल्टर काम आएगा और इसके क्योंकि हाई क्वालिटी का है तो इसमें आपकी कलर कास्टिंग बहुत कम है और विगनेटिंग भी नहीं आती क्योंकि इसमें वाइड एंगल इन्होंने फ्रेम रखा है काफ़ी तो एटी टू एम की लेंस अगर आप लगाओगे तो ऐसा नहीं है कि वाइड करते आपको ब्लैक जो विग्नेटिंग है वो कुछ नहीं आएगी और कलर्स भी ज़्यादा हिलते नहीं है मैक्सिमम रेंज पे थोड़ा बहुत आपको लगे लग सकता है जब एक्सट्रीम पे जाते हो लेकिन क्योंकि ऑलरेडी डार्क है जो नॉर्मल कंपनी के आते हैं निस्सी का वन पॉइंट फाइव टू फाइव आता है तो वो रेंज कम होती है तो उसमें आपको कई बार मैक्सिमम पे जाना पड़ेगा क्योंकि ये फोर टू नाइन है तो आपको मैक्सिमम पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी नॉर्मली अनलेस कि आपको बहुत लॉन्ग एक्सपोजर चाहिए नॉर्मल आपको तीन चार फोर से लेके फा, फोर फाइव सिक्स फा, फा, सेवन चार पाँच स्टॉप के अंदर ही आपका काम हो जाएगा तो बेटर है उसमें आप फ्री वाला फ़िल्टर यूज़ कर सकते हो बाकी लास्ट चीज़ जो बची है इसकी प्राइजिंग है प्राइजिंग मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि प्रीमियम ब्रांड है तो इसकी प्राइजिंग थोड़ी ज़्यादा है पहले भी हमने आपको सस्ते दिखाए थे अब ये थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी का दिखा रहा हूँ आपको इसकी जो प्राइसिंग है सेवेंटी फाइव हंड्रेड है एटी टू एम की और इससे छोटा अगर आप देते हो सेवेंटी सेवन तो वो होता है सात हज़ार का वो बड़ा लेना इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि ताकि आपकी एक ही फ़िल्टर आपकी साइलेंसेस पे चल जाए उसके लिए आपको स्टेप अप रिंग ले सकते हो स्टेप अप रिंग का जो सेट आता है वो आता है चार पाँच सौ का तो बड़ा लो जो आपकी बिगेस्ट लेंथ है बिगेस्ट लेंथ के साइज़ का आप ले लो अगर आपकी बिगेस्ट सेवेंटी है तो आप सेवेंटी सेवन का लेके अप ले लो साथ में और अगर आपका एटी टू बिगेस्ट है तो आप वो ले लो उससे बड़ी लेंस के लिए भी वेरेबल एन डी आते नहीं उसके लिए फिर आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा तो उसके लिए आपको फिर स्क्वायर पे जाना पड़ेगा बाकी ऐटी टू और सेवेंटी सेवन फुल फ्रेम में सबसे पॉपुलर है चाहे आप कोई भी कैम ब्रांड का कैमरा देख लो तो इसलिए आपको ये रिकमेंडेड है एटी टू या सेवेंटी सेवन लेना तो अगर आप लेना चाहते तो हमारे स्टोर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है गैलेक्सी फोटो स्टोर थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अर चैनल बाय